एमए प्रवेश पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सुशासन या उत्तम अभिशासन के अवधारणा का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सुशासन या उत्तम अभिशासन की अवधारणा का अर्थ देखेंगे। तो प्राचीन काल में सुशासन को आदर्श राज अथवा रामराज की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया था। जैसे प्लेटो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण करता है जिसकी बागडोर दार्शनिक प्रशासकों के हाथ में हो, अर्थात राज तब ही आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जब उसका शासक योग्य, कुशल, ज्ञानी एवं स्वार्थहीन शासक के हाथ में सत्ता हो। जैसा कि प्लेटो ने आगे बताया कि एथेंस में प्रजातंत्र, स्पार्टा में सैनिक तंत्र, सिराक्यूज में निरंकुश तंत्र के दुर्गुणों से पीड़ित थे। इस बात पर व्यंग करते हुए प्लेटो ने यहाँ तक लिखा है कि एक बढ़ई और दर्जी होने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, परंतु शासक होने के लिए नहीं। अतः नगर राज्यों को विनाश से बचाने के लिए और मानवता के कल्याण के लिए शासन से अज्ञान एवं स्वार्थपरता को दूर करने के लिए प्लेटो ने दार्शनिक शासक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको हम दूसरे रूप में ये कह सकते हैं। प्लेटो ये कहता है कि ज्ञानी एवं गुणवान व्यक्ति को ही शासक बनाया जाए तो ही सुशासन की स्थापना की जा सकती है। उसके बाद हम विभिन्न विचारकों के आधार पर सुशासन की जो परिभाषा दी गई है अर्थ को लेकर के उसको देखेंगे। सबसे पहले जो विचारक है जिसका नाम है फ्रीमैन, तो फ्रीमैन ने कहा है कि वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करें। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा है रामराज्य की कल्पना करना ही सुशासन कहलाता है। तीन नंबर विचारक आता है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ये कहता है कि वही सरकार अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा हो। उसके बाद हम डेविड ओसबोर्न तथा गैबलर के आधार पर सुशासन को उद्यमी सरकार कहते हुए एक शासक के 10 गुण का होना आवश्यक माना है, जिसमें पहला गुण है पूर्वानुमान लगाने वाली सरकार होनी चाहिए। नंबर दो गुण है विकेंद्रीकृत सरकार होनी चाहिए। तीन नंबर गुण आता है उत्प्रेरक सरकार होनी चाहिए। चार नंबर गुण है उद्यमी सरकार होनी चाहिए। पाँच नंबर प्रतिस्पर्धी सरकार होनी चाहिए। छः नंबर गुण बताया है समुदाय आधारित सरकार होनी चाहिए। सात नंबर गुण है उत्प्रेरक सरकार होनी चाहिए। आठ नंबर है सेवा प्रायोजित सरकार होनी चाहिए। नौ नंबर है ग्राहकोन्मुखी सरकार होनी चाहिए। और अंतिम गुण बताया है परिणामोन्मुखी सरकार होनी चाहिए। उसके बाद विश्व बैंक ने 1989 के दस्तावेज में सुशासन की अवधारणा का उल्लेख करते हुए ठोस विकास के प्रबंध के परिप्रेक्ष्य में यह कहा है कि एक सुशासन में निम्न बिंदुओं का होना आवश्यक है, जिसमें पहला बिंदु आता है सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंध होना चाहिए। नंबर दो है जवाबदेहता होनी चाहिए। तीन नंबर बिंदु बताया है कि विकास के लिए वैधानिक ढांचा होना चाहिए। चार नंबर है सूचना एवं पारदर्शिता होनी चाहिए। उसके बाद हम सुशासन के आवश्यक कुछ गुण देखेंगे, जिसमें पहला गुण आता है प्रभावी और कुशल प्रशासन होना चाहिए। नंबर दो गुण है नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना चाहिए। तीन नंबर है उत्तरदायी, मैत्रीपूर्ण एवं नागरिकों की देखभाल करने वाला प्रशासन होना चाहिए। चार नंबर गुण आता है सुशासन का लोक सेवकों की गुणवत्ता में सुधार करने वाला प्रशासन होना चाहिए। पाँच नंबर गुण है जवाबदेहता सुनिश्चित करने वाला प्रशासन होना चाहिए। छः नंबर गुण है कार्मिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने वाला प्रशासन होना चाहिए। सात नंबर गुण है भ्रष्टाचार से राहत दिलाने वाला प्रशासन होना चाहिए।
सुशासन का जो 8 नंबर अंतिम गुण है वह इस प्रकार से है कि सत्ता के प्रयोग में स्वेच्छाचारिता से मुक्त प्रशासन होना चाहिए। उसके बाद हम 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार उत्तम शासन के आयाम देखेंगे, जिसमें पहला आयाम है सभी स्तरों पर सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए व पारदर्शिता के साथ इससे जुड़े भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। नंबर 2 है सरकार सामाजिक और आर्थिक व सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में प्रभावी व कुशल होनी चाहिए। नंबर 3 है स्थानीय शासन की कार्यकुशलता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 4 नंबर है सरकार निचले स्तरों पर तभी कार्य कर पाएगी जब उसे सशक्त बनाया जाना चाहिए। नंबर 5 है कानून का शासन मजबूत रूप से कायम किया जाना चाहिए ताकि व्यक्तियों को अपने अधिकारों की मांग करने के लिए सरकार और व्यक्तियों के बीच संबंध होना चाहिए। अंतिम 6 नंबर आयाम है अंत में संपूर्ण प्रणाली को इस ढंग से कार्य करना चाहिए जिसे उचित और समावेशी समझा जाए। उसके बाद सुशासन की कुछ बाधाएं हैं जिसको हम समस्याएं कह सकते हैं, जिसमें पहली समस्या है उत्तम शासन की नीतियां व कार्यवाही योजना नागरिकों की जरूरत पूरा करने से बहुत दूर हैं। नंबर 2 है कानूनों को लागू करने वाले कर्मचारियों की अपर्याप्त क्षमता के निर्माण की वजह से नीतियों और कानूनों का उचित ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। नंबर 3 बाधा है नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता की कमी व उनके पालन के प्रतिवेदी दृष्टिकोण की वजह से उत्तम शासन में बाधा पहुँचती है। नंबर 4 गुण में बाधा जो देखने को मिलती है विश्व भर में नौकरशाही द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए जाने की उम्मीद की जाती है जो वास्तव में शासन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी यह नियम और प्रक्रियाएं प्रारंभ में ही कुविचारित व बोझिल कर दी जाती है जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, जिसके कारण यह भी सुशासन की एक प्रमुख समस्या या बाधा बनी हुई है। 5 नंबर बाधा है सिविल सेवकों की अभिवर्ती मुल्क समस्या भी सुशासन के एक प्रमुख बाधा के रूप में है, क्योंकि यह नागरिकों की जरूरतों के प्रति उदासीनता पूर्ण और असंवेदी हो जाता है। उसके बाद एक अधिशासन के लिए कुछ आवश्यक पूर्व शर्तें हैं, तो यहाँ पर कहा है इसके संबंध में अभिशासन की बाधाओं के एक विश्लेषण से यह पता चलता है कि अनेक पूर्व शर्तें हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए ताकि शासक को नागरिक केंद्रित बनाया जा सके। जो शर्तें निम्न हैं, नंबर 1 शर्त है ठोस कानूनी संरचना होनी चाहिए। नंबर 2 है कानून का शासन कायम करने के लिए जोरदार संस्थागत पद्धति होनी चाहिए। 3 नंबर शर्त है सक्षम और समर्पित कार्यबल होना चाहिए। नंबर 4 है विकेंद्रीकरण प्रत्यायन और जवाबदेही होनी चाहिए, जिसमें पहला हम देखेंगे ठोस कानून संरचना कैसे है। तो संविधान हमारी कानूनी संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है तथा संविधान में विहित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसद ने एक बड़ी संख्या में कानूनों का अधिनियम किया है ताकि नागरिकों के कल्याण संरक्षण और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। नंबर 2 है कानून का शासन कायम करने के लिए जोरदार संस्थागत पद्धतियाँ। इस पद्धति में कानून का शासन कायम हो और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें तथा मानव प्रतिष्ठा बनी रहे, दृढ़ और प्रभावी संस्थागत पद्धतियाँ कायम की जाएं। इनमें से कुछ पद्धतियाँ हमारे संविधान में स्थापित की गई हैं और अन्य कार्यकारी आदेशों के माध्यम से कायम की गई है। नंबर 3 है सक्षम और समर्पित कार्यबल। एक दृढ़ कानूनी पद्धति और जोरदार संस्थागत पद्धति को यह सुनिश्चित करने की सक्षम और अभिप्रेरित कार्मिक पद्धति का संचालन करना चाहिए। नंबर 4 है विकेंद्रीकरण प्रत्यायन और जवाबदेही। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में एक ऐसे सिद्धांत के रूप में की गई है कि एक केंद्रीय प्राधिकारी का कार्य सहायक होना चाहिए जो केवल ऐसे कार्य निष्पादन करें जिन्हें मात्र स्थानीय स्तर पर निष्पादित नहीं किया जा सकता है
और सभी कार्य अधिशासन के लघुतम यूनिट पर नागरिकों के निकटतम आयोजित किए जाने चाहिए और ऊपर केवल तब ही प्रत्यापित किए जाने चाहिए जब स्थानीय यूनिट कार्य निष्पादन नहीं कर सकता, अर्थात वे खुद निष्पादित नहीं कर सकते और लघुतम प्रणाली में स्थानीय शासन को सौंपे जाते हैं। उसके बाद है आधुनिक प्रौद्योगिकी अपना इस शासन। नंबर एक है पारदर्शिता और सूचना का अधिकार। पारदर्शिता और सूचना का अधिकार उत्तम शासन के लिए एक पूर्व शर्त है। सूचना की सुलभता नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है, इस प्रकार सरकार को अधिक जवाबदेही बनाता है। नंबर दो है जवाबदेही का अर्थ उत्तरदायित्व है, अर्थात सरकारी अधिकारियों से पूछे गए प्रश्नों का उन्हें उत्तर देना और दूसरी किस्म के प्रश्न के अंतर्गत न केवल क्या किया गया बल्कि क्यों किया गया पूछा जा सकता है, इसलिए इसके अंतर्गत जानकारी का पारदर्शी या परामर्शी दो तरफा प्रवाह सम्मिलित है जिसके अंतर्गत नागरिक सरकारी विभागों के कार्यकरण और सार्वजनिक एजेंसियों की सेवा सुपुर्दगी के संबंध में फीडबैक उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद आता है शिकायत समाधान तंत्र। कभी कभी आंतरिक अकार्य कुशलताओं के कारण कार्य अधिक जटिल हो जाता है तथा कभी कभी सरकारी एजेंसियों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बाह्य बाधाएं उन्हें नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने से रोकती है। नेक्स्ट है सक्रिय नागरिक भागीदारी, सूचना प्रसार पद्धतियां, लक्ष्य समूह परामर्श होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटरन और आकलन प्रत्येक संगठन में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य हैं क्योंकि सरकारी संगठनों में इन कार्यों का कार्यबल की दृष्टि से उनके बड़े आकार और साथ ही उनकी व्यापक पहुंच के कारण विशेष महत्व है।